तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड बढ़िया रहे। तो गाइस, आप लोग सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपनी जो पल्सर NS125 है, इसके कुछ मिस्टेक्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो बड़ी बड़ी मुझे फेस करनी पड़ रही है। अगर आप लोग भी बजाज पल्सर NS125 को लेना चाहते हो तो उससे पहले एक बार ये वीडियो देख लो। अगर आप लोग उन प्रॉब्लम को सह सकते हो, फेस कर सकते हो तो ही लेना। और क्या आप लोगों के पास NS है और उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। भाई, ये जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरी बाइक अभी समथिंग 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है और मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आप भी लोगे फिर आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स होगा। अगर यह होता नहीं होता, आप लोगों के पास है नहीं होता है, तो आप मुझे कॉमेंट में बता देना। अगर होता है तो भी बता देना और क्या क्या होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है भाई। न्यू लिया था उस टाइम तो एकदम मस्त था बाइक, एंड अभी 1000 किलोमीटर चलने के बाद में इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आने लगा है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, यार अपना डेविल और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसकी कुछ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली वाली प्रॉब्लम आती है भाई, सबसे बड़ी जो मुझे लगती है वो होता है इसका गियर लीवर। भाई सीन ये होता है कि ये मतलब कि फिलहाल न्यू थी ना, उस टाइम तो अच्छा चल रहा था, अभी ये कुछ हार्ड सा हो गया। मतलब कि कभी कभी हो जाता है, बारिश में बाइक पड़ी रहती है, बहुत हार्ड सा हो जाता है। एंड चप्पल के अंदर आप लोग इसको चला भी नहीं सकते। चप्पल पहन के अगर हम लोग इसको चलाएंगे ना भाई, तो समझ लो अपना अंगूठा तो डैमेज है। मैं कभी कभी चप्पल पहन के इसको चलाता हूँ, उस टाइम में मेरा अंगूठा का हाल बुरा हो जाता है, ठीक है। एंड गाइस, दूसरी प्रॉब्लम होने वाली है, जो कि होने वाली है इसकी ब्रेकिंग। मतलब ऐसा नहीं है इसकी ब्रेकिंग ख़राब है, ब्रेकिंग इसकी बहुत ही मस्त है, मक्खन लगती है। लेकिन इसका जो पीछे का ड्रम ब्रेक है ना, मैं आप लोगों को उस साइड से दिखा लेता हूँ। ये जो ड्रम ब्रेक है ना गाइस अपना, इसका सीन ये होता है कभी कभी कि मतलब बारिश का सीन है, बारिश के सीन के अंदर अपनी बाइक के ड्रम के अंदर पानी घुस जाता है। एंड गाइस, पानी घुसने के बाद में जब हम बाइक को चलाते हैं, मेरा घर मतलब थोड़ा सा ऊपर है, नीचे उतारता हूँ ना, मतलब कि इसके ड्रम से बहुत ही भयंकर वाली आवाज़ें आती है, जो कि हम लोगों को फेस करनी पड़ती है भाई। एंड जो अपना गियर वाला सीन था वो सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है गियर, और इसके ब्रेकिंग में आवाज़ आती है तो कोई देखता भाई पुरानी बाइक होगी, बहुत पुरानी वो आवाज़ आ रही है, इसलिए इसके ड्रम से आवाज़ आना वो भी कुछ अच्छा नहीं लगता। एंड गाइस, थर्ड प्रॉब्लम होने वाली है भाई इसका ग्लिच। पल्सर NS125 के आगे इसका ग्लिच भी लगाना चाहिए गाइस नाम। ग्लिच यह है कि जैसे कि मैं एक दिन अपनी बाइक के अंदर पूरा फ्यूलिंग करा के आया था, पूरा मतलब टंकी फुल करा लिया, ठीक है। उसके बाद में मैं जब घर आया था, मैंने ऐसे ऑफ किया, ऐसे ऑन किया की को, ठीक है। जैसे मैंने ऑन किया था वैसे यहाँ पर तो भी आप लोगों को दिख रहा भाई इतना फ्यूल है, उस टाइम में मेरा एकदम जीरो हो गया था। और ये जो फ्यूल ख़त्म होने का जो निशान आता है भाई, ये चल रहा था कि अपनी बाइक के अंदर आप फ्यूल डलवाओ, जो सीन मेरे को बहुत ही उस टाइम बुरा लगा था, क्योंकि मैं उसी टाइम डला के आया था और मुझे लगा शायद अपना फ्यूल चोरी हो गया या किसी ने क्या कर लिया, वो सीन मेरे को समझ में नहीं आया था। फिर मैंने अपनी टंकी खोला, देखा तो फ्यूल पूरा था। वैसे मैंने अपना ऑन ऑफ करके वापस ऑन किया था उस टाइम, और मेरा ये अपना मतलब पूरा आ गया था कि भाई आपकी टंकी फुल है। और जो ये सीन है मतलब फ्यूलिंग का ग्लिच वाला, ये ग्लिच वाला सीन भी बहुत ही ख़राब है। एंड गाइज, अपना फोर्थ नंबर का जो ग्लिच है, जो कि मुझे सच में बहुत ही बुरा लगा, वो है इसका चैन। भाई ये नहीं है चैन ख़राब है, चैन बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका सीन ये होता है गाइज कि मतलब 500 किलोमीटर के अंदर कंपनी बोलती है इसको ल्यूब करना चाहिए, लेकिन मेरा बाइक 300 किलोमीटर भी नहीं चलता, 300 समथिंग चल जाता है और चैन से आवाज़ें आने लग जाती है, मतलब सूख जाता है। और इसको हर 300 किलोमीटर के ऊपर ल्यूब करना चाहिए, कंपनी 500 का बोलती है, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मुझे 300 के ऊपर करना चाहिए, और चैन पूरा ही सूख जाता है, आवाज़ें करने लग जाता है, बाइक हार्ड हो जाती है, और फिर ये गियर का प्रॉब्लम भी हो जाता है। इसलिए आप लोग के पास अगर 125 है तो भाई सबसे बड़ा ध्यान अपनी चैन का रखा करो, इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। एंड गाइज, ये प्रॉब्लम बहुत आता है, इसका ल्यूब पे ल्यूब करना पड़ता है। एंड गाइज, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो नीचे कॉमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और आपके पास अगर NS125 है तो उसका माइलेज वाइलेज कैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझसे पूछ लो, मैं वीडियो बना लूँगा। एंड आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही मुझे बताना, और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। एंड गाइस, प्रॉब्लम तो इसके अंदर कुछ और भी है जो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, आप लोगों को दूसरा वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर बताऊँगा।